आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चार लक्षण बताने वाली हूँ जो कि जैसे ही आपका गर्भ रुकता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये सारे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपको पहले लक्षण की बात करूं तो वो पहले लक्षण समझने के लिए आपको थोड़ी सी नट सेल में कुछ पुरानी बातें भी जानना जरूरी है जो कि आपके शरीर में 20 से 25 दिन के आसपास ये सारे बदलाव आपके बॉडी में होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसके 5-6 दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलती है, लेकिन उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में अंडा रिलीज होता है। आपकी ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है और उसी टाइम पे उसको हेल्दी मिल्क सेल्स अगर अवेलेबल होते हैं तभी आपके फर्टिलाइजेशन का भी काम शुरू होता है। ये फर्टिलाइजेशन का काम इस 1 हफ्ते के दौरान कभी भी हो सकता है, यानी कि अगर मेल के सेल बाद में निकले या फिर अंडा जब उनकी अगर दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है उसके 1 हफ्ते तक अगर होता क्या है कि आपका जो शरीर से नन्हा सा जायगॉट जो है वो धीरे धीरे करके यूट्रस की वॉल पे चिपकता है, वो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे काम शुरू होते हैं। आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से बेसिकली इम्प्लांटेशन को देखा जाता है। वो इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, मे बी 24-25 दिन पे भी हो सकता है, 27-28 दिन पे भी हो सकता है। किस तरह से कितने दिन में आपका ओवुलेशन हुआ है और कब आपने रिलेशन प्लान किया सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इम्प्लांटेशन कब होगा। जब अगर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है, आपके यूट्रस की वॉल पे जब ये नन्हा सा जायगॉट चिपकता है, वो इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके बॉडी में प्रेगनेंसी के हार्मोन दौड़ने लगते हैं जिसका नाम होता है बीटा HCG या फिर प्रोजेस्टेरोन के भी लेवल काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। अगर ये बढ़ेंगे तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी का डिटेक्शन आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में भी होता है या फिर ब्लड स्ट्रीम में भी बीटा HCG की वैल्यू दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही गर्भ रुकता है, यानी कि जब से आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, उस टाइम से लेके आपको 4 बदलाव बहुत ही जल्दी दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव होता है आपकी बॉडी में बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। अगर आपकी बॉडी में आपके टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होती है, मे बी 0.5 से 1 डिग्री का अगर अंतर आपकी बॉडी में दिखाई देता है जो कि इम्प्लांटेशन के बाद अगर आप फील कर रही हैं, जो कि जनरल केसेस में अगर आपका नॉर्मल पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पे ना आपका इम्प्लांटेशन होता है ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा होता है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है तो उन टाइम पे आप ये महसूस करिएगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा इंक्रीज हुआ है और वो आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा और सटीक लक्षण होता है। हालांकि प्रेगनेंसी के सिम्टम आपको पीरियड मिस होने के बाद ही पता चलते हैं क्योंकि पीरियड मिस होना आपके 100% प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक होता है, एक बहुत बड़ा रीजन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा लक्षण कह सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी तभी रुकती है जब अगर आपका पीरियड स्टॉप होता है, उसके बाद से तमाम तरह के सिम्टम आपको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऐसा सिम्टम है जिसको आप पीरियड के जस्ट 1-2 दिन पहले भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन जैसे ही महिलाओं का होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका 0.5 से 1 डिग्री बढ़ा हुआ सा लगता है। आपके शरीर में हल्की सी गर्माहट आपको महसूस होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि महिलाओं को पेट के किसी एक साइड में उनको पेन होगा, हल्की सी क्रैम्पिंग या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बताया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि तीसरा बहुत बड़ा लक्षण होता है फूड को लेके एवर्जन, यानी कि फूड में अगर किसी तरह का एवर्जन है, कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल अरुचि पैदा कर रही हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को देख के, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, ना उसकी स्मेल आपको अच्छी लग रही है ना उसको आपको खाने का मन कर रहा है, तो फूड से भी एलर्जी या एवर्जन आपको हो सकती है। चौथी चीज़ होती है क्या जो सबसे बड़ी होती है, वो आपकी मूड स्विंग्स को भी लेके होती है। अचानक से आपका मूड भी बदल जाना, बहुत ही चिड़चिड़ा फील करना या फिर अचानक से किसी बात पे खुश होना, आप अगर इस तरह के सिम्टम अपने बॉडी में अगर आप देख रही हैं जो कि इम्प्लांटेशन के बाद महिलाओं को फील होती है और इसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को आप कन्फर्म मान सकती हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।